एक बड़ी अपडेट, नीट यूजी के आयोजन में धांधली को लेकर अब शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गड़बड़ी पाई गई तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जवाबदेही भी तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि नीट यूजी परीक्षाओं के आयोजन में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। बता दें, नीट परीक्षा 2024 को लेकर देश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पेपर लीक के आरोपों के साथ छात्र सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। अब शिक्षा मंत्री ने भी नीट यूजी के आयोजन में धांधली को लेकर बयान दिया है।